ओके चलो कर दिया है। नहीं पूरा नहीं किया बेटा। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग से सर, लाउडली, गुड मॉर्निंग बच्चे सर, बच्चे क्लास से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड राहीन फजल, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मॉर्निंग सर। चलो ठीक है, तो अब आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं। यू आर फ्री टू ऑफ द कैमरा। आज हम बात करने वाले बेटा, हम जैसा कि हमने कल शुरू किया है नया लेसन, और इससे पहले मैं बता दूं कि हमने बात कर लिया है स्टैटिस्टिक्स पर। हमने बात किया बेटा, हमने स्टैटिस्टिक्स पर बात किया बेटा, बोलो। यस सर, यस हाँ, सर, हमने क्या क्या चीज करा चर्चा किया है स्टैटिस्टिक्स पर, नए बच्चों को मालूम होना चाहिए ना बेटा। हमने क्या चर्चा किया था अभी तक स्टैटिस्टिक्स पर, बोलो क्या हमने डेफिनेशन बातें ऑफ की हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड सर डेफिनेशन ऑफ लिमिटेशंस, स्टैटिस्टिक्स, वेरी गुड। इसके बाद सर लिमिटेशंस, एडवांटेजेस एंड ओके सर हाँ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। यस वेरी गुड ओके बहुत सुंदर। और इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ अब दिक्कत नो भी होगी तो सर, उसका रिमेडियल क्लास में हम इसका समाधान ढूंढेंगे। ठीक है क्या यस सर, करना है नए बच्चे आप लोगों के लिए, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर ऑर्गेनाइज करूंगा ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाए सही तरीके से। ठीक है तब तक हम बात कर रहे हैं, हम अपने दूसरे लेसन पर आ गए हैं जो कि हमारा स्टेटस का दूसरा लेसन है ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने इस पर चर्चा किया था, आप लोगों को कुछ मटेरियल मिला था? मैंने कल ग्रुप में पोस्ट किया था बेटा। बोलो चिल्ड्रेन, यस सर, नए बच्चों से भी पूछ रहा हूँ, पुराने बच्चों से भी पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। मैंने कल ग्रुप में कुछ पोस्ट किया था? यस सर, हाँ तो मैंने नए बच्चों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि उसको जल्दी से कंप्लीट कर लें आप, हाँ ताकि आप क्लास की स्पीड के साथ मैच कर सकें। चलिए मैंने यस चलो आज हम बहुत कम समय तक पढ़ा पाए इसलिए कि बहुत सारी चीजें नए स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया। ठीक है चलिए तो ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये है लेसन। देखो बेटा स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये कहा जाता है ना, ये नंबर गेम है। थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। जो भी नंबर्स में जो डाटा है ना वो हमारे स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है वो केवल नंबर है ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रुमाना हैज स्कोर 50 मार्क्स आउट ऑफ 16। ठीक है अब ये एक स्टेटमेंट हुआ जिसमें नंबर हमें दिखाई देता है। ठीक है तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स कब बनेगा? जब हम ये कहें कि रुमाना ने 50 मार्क स्कोर किया, फजल ने 60 मार्क स्कोर किया, ठीक है तहसीन ने 70 मार्क स्कोर किया, ठीक है अनुष्का ने 80 मार्क स्कोर किया। अब ये ग्रुप ऑफ जब इंफॉर्मेशन है एंड दे आर ऑल्सो एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म, देन दे आर द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिक्स, एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने दिया, ये बात समझ में आई नए बच्चों को स्पेशली? बोलो बेटा आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स। चिल्ड्रेन आपको रिस्पॉन्स करना होगा तब आपकी बातें हम समझ पाएंगे कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो। ठीक है तो स्टैटिस्टिक्स अगर इसको जैसा कि हमने कल नोट्स में लिखाया भी था, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा इन सब सारी बातों की हमने चर्चा की थी। अब ये डेटा जो है ये क्या होता है? व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे नेक्स्ट लेवल पर, जो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में सहयोग देता है, वो सारे इंफॉर्मेशन हम डेटा के अंतर्गत रख सकते हैं। तो पॉपुलेशन या इनवर्स जिसको कर लो, जहां से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जहां से हम डेटा निकालते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, उसको हम इनवर्स कहते हैं। ज्योग्राफी वाले इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां हम स्टैट वाले इनवर्स की बात करो, मतलब उस पॉपुलेशन को डेटा
प्लेस और यू कैन से द एरिया द कंटेंट थ्रू विच वी एक्सट्रैक्ट द डेटा इज नोन एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज अ सोर्स ऑफ डेटा, पॉपुलेशन और इनवर्स द सोर्स ऑफ डेटा। तो हम उस डेटा को हम कैसे करें, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था अपने क्लासरूम में, एंड वी आर सपोज द सेम थिंग इन हियर ऑल्सो। तो हम अपने क्लासरूम में कल हमने एग्जांपल दिया था कि कभी आपने लेमन वाले को देखा है कि कैसे लेमन वाला वो अलग अलग जो लेमन को इकट्ठा करके रखता है और कहता है कि 10 रुपए में 2, 10 रुपए में 5, 10 रुपए में 6, ऐसे करके एक सेग्रीगेशन करता है। तो व्हाट एक्चुअली ही इज डूइंग, यू आर ऑल्सो डूइंग एट होम। आपने देखा होगा कि मैथ्स की बुक एक जगह, कॉमर्स की बुक एक जगह, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, नॉवेल, कॉमिक्स, ऐसे करके आप सेग्रीगेशन करते हैं। यू हैव सीन योर मदर ऑल्सो इन द किचन, दैट छोटे डब्बों को एक तरफ, मिडिल वाले साइज के डब्बे एक तरफ, बड़े डब्बों को एक तरफ। ऐसा नहीं देखा होगा कि जो फ्लोर का जो डब्बा है उसी में मसाले का भी डब्बा रख दिया बगल में, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनाती। दैट इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग थिंग। सो सिमिलर वे द वे योर मदर इज डूइंग एट होम, द वे यू आर डूइंग एट होम, द डेटा नीड्स टू बी एडजस्टेड और ऑर्गेनाइज इन द सेम मैनर। आर यू गेटिंग यस पॉइंट सर, हियर? ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहला पहला तो इन्फॉर्मेशन ये हो गया कि वो बड़ा कैची हो गया, देखने में अच्छा लगा, जैसे आपके मामा ने किया, आपके पेरेंट्स करते हैं, यू योर सेल्फ इज डूइंग, ठीक है, तो बड़ा कैची हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इट सेव्स आवर टाइम। जो एक जापानीज होता है ना, उनके यहाँ 5S का एक सिस्टम निकलता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा फॉलो किया जाता है। जैसे मान लो आप किसी अपने घर में हो, अगर आप टाइम कॉन्शियस हो, अगर आपको समय की कीमत है, तो क्या करना है कि मान लो कि आप कोई गेस्ट आता है, वो आपका किसी के यहाँ जाते हैं, आपको फैन ऑन करना है, तो आप पहले एक स्विच दबाते हो, फिर दूसरा स्विच दबाते हो, फिर तीसरा स्विच दबाते हो। ऑफिस वगैरह में जहां पर बहुत लंबे लंबे स्विच होते हैं, बड़े बड़े स्विच होते हैं, अगर आप उसको एक एक बार सबको ट्राई करोगे, तो आपका एक फैन को स्टार्ट करने के लिए 10 स्विच को डिस्टर्ब करना पड़ेगा और 10 स्विच में खराबी आने की संभावना रहेगी और आपका समय बर्बाद होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर उस जगह अगर आप ये करो कि हर स्विच के ऊपर ये मार्क करो कि कौन से फैन के लिए कौन सा स्विच है, लाइट के लिए कौन सा स्विच है, नाइट लैंप के लिए कौन सा स्विच है, ठीक है, ये एग्जॉस्ट के लिए कौन सा स्विच है, तो आपका समय बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो बेटा, बचेगा ना, यू कैन यस सी सर, बेटा। बचेगा। तो ये होता है ऑर्गेनाइज, व्हेन थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इट नॉट ओनली सेव आवर टाइम्स एनर्जी बट ऑल्सो द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। हर बार जब जितनी बार आप चीजों को यूज करोगे, जितनी बार चीजों को आप अपने प्रयोग में लाओगे, उसकी लाइफ भी कम होती जाती है, समझ लो। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक विद ऑल दीज स्मॉल स्मॉल एग्जाम्पल्स, आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम राइट? रिस्पॉन्ड यस क्लियर? सर, ओके, यस तो सर, हम थोड़ा सा जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो हम थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं। रुमाना स्टार्टेड, नहीं रुमाना, क्या नेटवर्क का कुछ इशू है? ओके, लीव इट। चलो, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कंडेंस्ड फॉर्म, मतलब डेटा को आपने कंडेंस्ड कर लिया, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों के मार्क्स को हमको इवेल्युएट करना है, इकोनॉमिक्स के मार्क्स को हमको देखना है कि कितने बच्चों ने कैसा मार्क्स किया और बच्चों का क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम एक सिस्टम में डालते हैं। जैसे 0 से 33 वाले बच्चे कितने मार्क्स पाए, मतलब फेल हुए, बिलो 33, 33 से 45 के रेंज में कितने बच्चे हैं, यू माइट हैव सीन योर टीचर्स वर डूइंग इन द स्कूल्स, ठीक है, देखा होगा आपने। 46 से लेकर 60 तक के मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 61 से लेकर 70 तक के मार्क्स कितने बच्चों को मिले, एंड सिमिलरली 90+ मार्क्स कितने बच्चों को मिले। सो व्हाट यू आर डूइंग, 100 मान लो बच्चे हैं, इन बच्चों को इस तरीके के एक अलग अलग कंपार्टमेंट में आपने सेग्रीगेट कर लिया। अब आपको मालूम हो जाएगा कि मान लो 90+ 10 बच्चे आ गए, 80 टू 90 10 बच्चे आ गए, ऐसे करके आपको मालूम हो जाएगा कि यस
इस क्लास का जो मेंटल लेवल है, इस क्लास का जो थिंकिंग लेवल है, इस क्लास का जो आईक्यू लेवल है, इट इज व्हाट लेवल? आर यू माइंड? सो डेटास आर ऑर्गेनाइज्ड वंस, इट इज कंडेंस्ड फॉर्म. ये होता है कंडेंस्ड फॉर्म, कि हमको मालूम हो गया कि डेटा का कंसंट्रेशन इधर हो रहा है, ठीक है. और ये जब आप ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कंडेंस्ड फॉर्म एंड देयर प्रॉपर एंड सुटेबल ग्रुपिंग थ्रू क्लासिफिकेशन टेबुलेशन. तो ये जो टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन है, उसके दो टूल हो गए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के टूल बन गए, ठीक है, कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. इससे हमारी स्टडी आसान हो जाएगी. जैसे मैं लिखूं कि मैं अपने अटेंडेंस रजिस्टर की बात करूं, व्हाट वी आर डूइंग ऑर्गेनाइजिंग, पहली बात तो ये कोशिश करते हैं कि सारे बच्चे का नाम हमने लिख लिया, गर्ल्स के नाम पहले लिख लिए, बॉयज के नाम बाद में लिखे. हमसे कोई पूछेगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, यस दिस मच. आपकी क्लास में कितनी लड़कियां हैं, यस दिस मच, आसानी से, क्योंकि मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है गर्ल्स का नाम. आर यू नो इट इज व्हाट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज. ये हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन कोई पूछेगा तो हम आसानी से लिख लेंगे. रजिस्टर में लिख लिया एससी कितने, एसटी कितने, ओबीसी कितने, ओबीसी क्रीमी लेयर कितने, जनरल कितने हैं, ठीक है, उनके मदर टंग क्या है, ये सब सारी बातें हम लिख लिए. थिंग्स आर ऑर्गेनाइज एंड व्हेन थिंग्स आर ऑर्गेनाइज इट बिकम इजी. नेक्स्ट लेवल तक आपको जाने में आसानी होगी, ठीक है. आप हर बच्चे की नीड्स को आसानी से पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके आगे की का जो स्टेप्स होता है ना, वो आसान बन जाता है. फिर हमेशा आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एम आई एबल टू अंडरस्टैंड? एम आई एबल टू यस क्लियरिफाई डाउट्स बेटा? एनीबडी समझ सर, यस में आ रही बेटा? बोलो बेटा, बोलिए. सर, क्लियर, यस ओके, सर, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा इंटू डिफरेंट क्लासेस और सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है. अलग अलग क्लास में और सब क्लास में, ठीक है. जैसे मैंने एक टेबल के रूप में एक क्लास बनाने का प्रयास किया, ठीक है. जैसे बहुत सारे क्लास में आ जाते हैं कि कितने बच्चे, देखो एक क्लास हो गया कितने बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स हैं क्लास में. अब बॉयज का एक क्लास और बन सकता है कि कितने बच्चे अर्बन है, कितने बच्चे रूरल है. गर्ल्स का भी सिमिलरली क्लास बन सकता है, अर्बन और रूरल का क्लास बन सकता है, ठीक है. आर गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रही बात? फिर एक और क्लास बन सकता है, कितने बच्चे के पेरेंट्स कैटेगरी 1 के हैं, कैटेगरी 2 के हैं, कैटेगरी 3 के हैं, कैटेगरी 5 के हैं, ठीक है. आर यू गेटिंग पॉइंट? कितने बच्चे आर्मी पर्सनल्स हैं, हाँ, एयरफोर्स, यस नेवी, ठीक है. तो ये क्लास और सब क्लास बनाए जा सकते हैं अपने नीड के अनुसार. हमको किस तरह के डेटा, हमको किस तरह का इंफॉर्मेशन सीख करना है, कौन सा हमको ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपने मीनिंग में देखा ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन. तो टेबुलेशन का मतलब तो सिंपल है कि रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करना, ठीक है. कोई किसी भी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में अगर आप डिवाइड करते हो, जैसे मान लो ये हमारा क्या हुआ, ये कॉलम हो गया, ऐसे ऐसे जो होता है ना बेटा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दिस व्हाट, और ये जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये क्या है, ये रोज है, ये रोज है, दिस व्हाट कॉलम, दिस व्हाट कॉलम. समझ में आ रही बात? तो व्हेन डेटाज आर क्लासिफाइड इनटू रोज एंड कॉलम, इसको रोज कहेंगे और इसको कॉलम कहेंगे. इसे कोई डाउट? बोलो भाई, एनीबॉडी, एनी नो डाउट? डाउट है बेटा? सर, ओके, सो तो टेबुलेशन का मतलब समझ में आया, द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन सिस्टमेटिक टेबल्स. अब ये टेबल्स क्या सिस्टमेटिक है, कैसे? अब इसमें कॉलम है, ठीक है, कॉलम में सारी बातें इधर लिखी जाएंगी, ये इधर लिखी जाएंगी, इधर लिखी जाएंगी, इधर लिखी जाएंगी, ठीक है. रो लिख दिया, ठीक है. यहां पर मान लो हमने लिख दिया कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना है, अर्बन, यहां लिख दिया अर्बन, एक लिख दिया अर्बन. देखो मैं इसको तो मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा दिया मैंने. कोई भी इंफॉर्मेशन को लिखना कितना आसान हो जाता है, देखो मैं थोड़ा सा, ये मान लो हमने लिखा,
ये हमारा इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारा अर्बन, क्या लिखा? अर्बन, ये रूरल लिखा, ठीक है। यहां बॉयज लिख दिया और यहां गर्ल्स लिख दिया, ध्यान से देखना। अब अर्बन में लिख दिया 10 और 5 और इधर लिख दिया टोटल, टी फॉर टोटल, ये हो गया 15। मतलब आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, देखो मेरे हैंडराइटिंग खराब हो गई है, ये जो हैंडराइटिंग खराब नहीं मेरी, ये मेरा ऑनलाइन माउस से लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 15, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 5 लिख लो, यहाँ 10 लिख दो, 5 + 10 = 15। तो टोटल 30 स्टूडेंट्स हुए। 30 स्टूडेंट्स में बॉयज 15 है, गर्ल्स 15 है, ठीक है। आर गेटिंग माइंड? यस सर। 15 बच्चों में 10 बच्चे अर्बन हैं और 10 बच्चे, 5 बच्चे रूरल बैकग्राउंड से हैं। 15 लड़कियों में 5 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अर्बन बैकग्राउंड एंड 10 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। ओके, आर गेटिंग पॉइंट? सुन रहे यस बात? तो टेबुलेशन से हम, हमारा क्या हो गया, ये कैची बन गया, ये इंफॉर्मेशन कितना आसान हो गया और समझने में कितना आसान हो गया, ठीक है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम टेक्सचुअल फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होने के चांसेस रहेंगे और वो कैची नहीं बन पाएगा, और वो कॉन्साइज नहीं बन पाएगा, वो इंटरेस्टिंग नहीं बन पाएगा। और आपके पास समय की जब कमी हो तो कितना बढ़िया है कि आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन को, आपका उद्देश्य क्या, अपनी बात को कम्युनिकेट करना, दूसरे को बताना, वो कितनी आसानी से आप संप्रेषित कर पाते हो, कितनी आसानी से आप किसी को बता पाते हो, यही आपकी जीत होती है, ठीक है। तो और तो टेबुलेशन में हमने क्या किया, रोज, ये रोज है हमारा और ये हमारा, ये हमारा ये जो है ना, ये कॉलम है ऐसे, ठीक है, वर्टिकल जो है ये कॉलम है, ठीक है। तो रोज एंड कॉलम्स, रोज ये रोज हो गया एंड ये कॉलम, तो रोज एंड कॉलम में डेटा को फिट करना, एडजस्ट करना, रिप्रेजेंट करना, दैट इज नोन एज टेबुलेशन। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। सबको समझ आ रहा है बेटा? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? रुमाना, नो सर। फजल, तहसीन, रोहित, सबको समझ आ रहा है बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो आज तो मैं नए वाले बच्चों को समझ रहा हूँ, उनका कुछ प्रॉब्लम है बेटा, लेकिन ऐसे आप लोग इंश्योर कर लो कि नेटवर्क को हम ठीक करा लेंगे, ठीक है। अभी आप लोग का ट्रांजिशन फेज है, मैं समझ सकता हूँ। चलिए, तो रॉ डेटा क्या है? द कलेक्टेड डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा, ठीक है। द कलेक्टेड डेटा इज इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज नोन एज रॉ डेटा। मतलब रॉ डेटा, रॉ मटेरियल, जैसे होता है ना इंडस्ट्री वगैरह में क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को, जैसे क्रूड ऑयल, हम गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल मंगाते हैं और वो एज इट इज यूज नहीं होता, हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज हैं, हम उन रिफाइनरीज में जाकर इसकी प्रोसेसिंग करते हैं और तब जाके हम उसको यूज करने की स्कीम होती है। इसी तरह कोई भी प्लास्टिक है, उसको वो रॉ मटेरियल के रूप में है, जब वो प्रोसेस्ड होता है तब तो भी उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। तो कलेक्टेड डेटा इन अनऑर्गेनाइज फॉर्म, जब उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, वो पॉपुलेशन का हिस्सा, इनवर्स का हिस्सा है, उसको टेबुलर फॉर्म में नहीं डाला गया है, तो वो क्या है कि अनऑर्गेनाइज फॉर्म। जब ऑर्गेनाइज कर दिया तब वो क्या हो गया, वो डेटा हमारे काम लायक बन गया, ठीक है। तो रॉ डेटा क्या होता है वो समझ में आया? बोलो, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्लासिफिकेशन का उद्देश्य क्या है, जिसकी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन सिंपल फॉर्म, आपने टेक्सुअल इंफॉर्मेशन को अगर मैं कहूँ कि भारत में युवा इस देश के भविष्य हैं, भारत, ये दोनों एक रथ के पहिए के समान है, मेल एंड फीमेल आर जस्ट लाइक ए चैरियट्स ऑफ अ व्हील्स ऑफ ए चैरियट, अनलेस एंड एंटिल देयर प्रोग्रेस इज नॉट इंश्योर्ड, नेशंस प्रोग्रेस कैन नॉट बी ड्रीम्ड,
ओके। इन आवर केंद्रीय विद्यालय देर आर 30 स्टूडेंट्स, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 30 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दैट 10 बॉयज एंड 5, 10 आउट ऑफ दैट 15 बॉयज एंड 15 गर्ल्स आर देयर। जो डेटा था उसी को मैं रीड आउट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, आउट ऑफ बॉयज 15 बॉयज 10 आर बिलोंग टू द अर्बन एरियाज एंड 5 आर फ्रॉम द रूरल एरियाज। गर्ल्स 5 आर फ्रॉम द अर्बन एरियाज एंड 10 फ्रॉम द गर्ल्स सॉरी रूरल एरियाज। अब देख लो, ये सारा इंफॉर्मेशन को हमने जो बोला, इस इंफॉर्मेशन को आप 2 मिनट में, 1 मिनट में इतना कैची फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दोगे वो सारा। देखो, अब हमारे दिमाग में बैठ भी गया। अगर ये टेबलर फॉर्म में नहीं होता तो हमारे दिमाग में इमेज नहीं बनता और वो मैं आपको अभी बोल नहीं पाता। सो यही ब्यूटी है टेबलर फॉर्म। तो ये देखो, डेटा पहले क्या है, यहाँ पर लिखा है टू प्रेजेंट द फैक्ट इन अ सिंपल फॉर्म, बिल्कुल आसान तरीके से प्रेजेंट किया सकता है, जैसा कि आपने देखा। टू ब्रिंग आउट क्लियरली पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। अब पॉइंट्स ऑफ क्लियरिटी, कितने बच्चे अर्बन हैं, कितने बच्चे रूरल हैं, कितने बच्चे गर्ल्स अर्बन हैं, कितने गर्ल्स रूरल हैं, तो कितने सिंपल फॉर्म में इसको प्रेजेंट हम कर पाए, ठीक है। और क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, इसको भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह की हमको रिक्वायरमेंट होगी। हमको टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, ठीक है, सॉरी, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपैरिजन को फैसिलिटेट करने में आसान से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो ब्रिंग आउट रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है, हम इसमें रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि गांव, हम अगर किसी आउटकम पर आते हैं कि हम देखें कि अगर मान लो मार्क्स जो है गांव के बच्चों का कम आता है, शहर के बच्चों का ज्यादा आता है, तो एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि शहर में सुविधाएं हैं, गांव में सुविधाओं का अभाव है, इसलिए गांव के बच्चे कम मार्क्स लेकर आते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे डेटा से, बहुत सारे इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं बनाए। टू ब्रिंग आउट रिलेशनशिप, संबंधों को इसमें स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर, और दिमाग में चीजों को बड़े आराम से और देर तक रखा जा सकता है। टू प्रिपेयर द बेसिस ऑफ टेबुलेशन, और टेबुलेशन का बेसिस भी यही होता है, जब हमारे पास डेटा था कि हमारे केबी में 30 बच्चे हैं, तो उसी आधार पर हम लोगों ने ये काम किया, ठीक है। उसी आधार पर हमने उसका टेबल बनाया, 30 बच्चों के आधार पर, 30 बच्चों में 15 गर्ल्स, 15 15 बॉयज, 15 बॉयज में से अर्बन और रूरल, ये सारा हमने जो डिवीजन किया, ये हमारे पास डेटा था तब हमने उसको कन्वर्ट किया। आर गेटिंग पॉइंट, बोलो भाई, समझ यस में आ रही मेरी बात बच्चों, यस सर आ रही है है, समझ सबको समझ में आ रही है, यस किसी को डाउट? नो सर चलो, तो वरुण इज वेरी वोकल एंड ही इज स्पीकिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज गुड, इट इज वेरी गुड दैट द स्टूडेंट्स आर सम स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव। आई विश दैट एवरीबॉडी इज एक्टिव, आई विश दैट एवरीबॉडी इज एक्टिव, ठीक है। चलो, यस सर ठीक है, टू प्रिपेयर द बेसिस ऑफ टेबुलेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा टेबुलेशन का बेसिस है। चलिए अब आते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा, किस किस बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम स्पेशियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, पी साइलेंट, स्पेशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ज्योग्राफिकल नाम से बड़ा ही क्लियर है कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन मतलब ज्योग्राफी के अनुसार, मतलब लोकेशन के अनुसार, एरिया के अनुसार जो क्लासिफिकेशन किया जाए उसको ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। When data are classified according to the geographical or locational differences, such as countries, states, cities, districts, regions, etc., it is known as geographical classification. Example, number of schools in 5 cities of India. ठीक है, अब ये 5 cities जो है ना, ये एरिया को बताता है, रिप्रेजेंट करता है, स्थान को बताता है, बेंगलोर, जयपुर, गुड़गांव, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है। और ये इनकी संख्या नीचे दी गई है, 15, 10, 20, 10 एंड 12, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ज्योग्राफिकल और स्पेशल क्लासिफिकेशन हो गया। एम राइट डियर स्टूडेंट्स, बोलो भाई, समझ में आ रही मेरी बात?
यस सर, यस सर। हाँ चलो, तो हम आज इतना ही पढ़ते हैं, और इतना पढ़ने के बाद हमारे बच्चों को जो डाउट होगा उसको भी डाउट के लिए हमें कुछ स्पेस रखते हैं, एंड दे कैन आस्क डाउट्स। ठीक बेटा, यस सर। चलिए पूछिए, व्हाट इज योर डाउट। नए बच्चों से मैं पहले पूछूंगा, न्यू स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? बोलो बेटा, सोलंकी जी, डाउट है बेटा? सोलंकी, भवदीप, सोलंकी, भवदीप, यस सर, अनीशा, 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 अनीशा की तबीयत कैसी है? अनीशा, हाउ आर यू? अनीशा बेटा की तबीयत कैसी है? अनुष्का, अनुष्का, तुम मारे बेटा अनुष्का? यस ओके, लोकेश, तुम सर, यस सर, मारा? ओके, किसे पूछूं? रोहित बेटा, सुन मारा? ओके, नए बच्चों यस को तुम सर। बताओ। शिखा, शिखा बेटा आ रहा सुन? सोनी, शिखा एंड यस सोनी। सर, ओके, इसके बाद मैं किससे पूछूं? चलो इसके बाद, चलो ठीक है बेटा। तो लास्ट, अगर आपको अगेन आपको किसी पॉइंट में किसी चीज में दिक्कत हो तो आप भी पूछिए। रुमाना, रुमाना, तुम्हारा क्लास में नहीं है क्या? रुमाना, नहीं बोल रही, क्या बात है? रुमाना इज नॉट इन द क्लास? नो सर, ओके, उनके भाई हैं फजल, क्या नाम है, तहसीन, दे नॉट ऑल्सो नॉट इन द क्लास? नो सर, वो भी नहीं है। नो सर, वो भी वो भी नहीं है, मतलब साथ में आते हैं, साथ में आते हैं क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक है बेटा। हाँ कोई डाउट हो तो बोलो, पूछो। इफ एनी डाउट इज देयर आस्क मी। और क्लास वर्क और ये होमवर्क जो भी मैं दे रहा हूँ उसको अपलोड करते जाइए। सोनी बेटा, आप लोग भी गूगल क्लासरूम में ज्वाइन कर लिया बेटा? सोनी, यस सर, कर लिया। यस वर्क तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। अभी भेजा नहीं है। भेज दो बेटा जल्दी से। लोकेश, यस सर, अपलोड करो वर्क को बेटा। ठीक ओके सर। है, और कोई समस्या तो बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए। बोलो बेटा,